सनातन धर्म के लोगों के लिए विजयादशमी या दशहरे के त्योहार का बड़ा ही महत्व होता है। माना जाता है कि विजयादशमी का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दिन आप सामान्य से उपाय करके अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, जिसके बारे में बता रहे हैं इंदौर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार पंडित कपिल महाराज। रेटिन के दर्शकों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कहते हैं कि दशहरे के दिन आपने देखा होगा हर रीति अनुसार कभी सोन पत्ती, कभी शमी पत्र और कभी कभी तो आपने देखा होगा पान का बड़ा महत्व बताया गया है, क्योंकि इसके अंदर ये कहा जाता है शमी पत्र को देने से एक तो दृढ़ता और तेज दोनों की प्राप्ति होती है, और सोन पत्ती देने का ये भाव रहता है जैसे कुबेर का खजाना जब राम जी आए थे वापस पुनः अयोध्या में, तो ऐसा लग रहा था स्वयं कुबेर ने अपने खजाना छोड़ दिया था। तब उस समय जो पत्तियां ऊपर से आकाश से गिर रही थी वो सोन पत्ती की आकृति की थी, और इसलिए उन सोन पत्तियों को दिया जाता है कि ताकि आपके और हमारे घर में हर किसी के घर में एक सुख समृद्धि आए और इस दिन से आप जो है तरक्की की ओर बढ़े, क्योंकि इसका एक शास्त्रीय मान्यता और प्लस एक साइंटिफिक रीजन ये भी कहा गया है कि इन दिनों से धान कटना चालू हो जाते हैं, और जैसे ही धान कटने लग जाती है तो वैसे ही हर किसी के घर में सुख समृद्धि आती है। क्यों? क्योंकि धन की प्रचुर मात्रा जब घर में आती है तो व्यक्ति सुखमय होता है। दूसरा, पान का बीड़ा इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि हनुमान जी को जब पान चढ़ाते हैं, बीड़ा चढ़ाते हैं, तो कहा गया है जो बजरंग बली को चढ़ाए बीड़ा उसकी कटती है सारी पीड़ा। इसलिए कल का दिन बड़ा ही विशेष कहा गया है। अगर कल मंगलवार का दिन है, आप स्वयं बजरंग बली के दरबार में जाकर आप उनको पान का बीड़ा चढ़ाएंगे तो देखेंगे कुछ ही समय के अंदर आपकी जो जो पीड़ा है वे सब खत्म होने लग जाएंगी। इसलिए विजयादशमी के दिन ये महत्व दिया जाता है, और इस दिन ये भी कहा जाता है, कहते हैं विजयादशमी दशमी तिथि पर विजय नामक एक मुहूर्त आता है जिसके कारण इस दिन किए जाने वाले सारे कार्य सिद्ध होते हैं, इसलिए इसको विजय दशमी कहा गया है। इसलिए भगवान राम जी ने अपराजिता देवी अपराजिता का इस दिन पूजन करा था और तब जाकर रावण को मृत्यु प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार से अगर आप विजयादशमी के दिन इन छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान में रखते हुए अपने जीवन का दिनचर्या का पालन करते हैं और जीवन में कोई अच्छा कार्य करने की इच्छा हो इस दिन करते हैं तो वो कार्य 100% वो सिद्ध होते हैं, और विजयादशमी के कारण आपको भी अपने कार्य में विजय की प्राप्ति दिलाते हैं।